फिर से हम नए सफर में चलते हैं। आज हम आपको बताने वाले हैं ग्रुप डिस्प्लेसमेंट लॉ के बारे में। इस कॉन्सेप्ट को दिया था सोडी, फजान और रसेल ने। तो सोडी, फजान एंड रसेल्स लॉ भी बोला जाता है। आप सभी को पता है जितने भी रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स होते हैं उनके न्यूक्लियस अनस्टेबल होते हैं, वो लगातार डिसइंटीग्रेट होते हैं। मेनली वो अल्फा, बीटा और गामा पार्टिकल का इमिशन करते हैं। आपको ये भी पता है कि अल्फा पार्टिकल का जब इमिशन होता है तो एटॉमिक नंबर 2 यूनिट से और मास नंबर 4 यूनिट से डिक्रीज होता है, और बीटा पार्टिकल के इमिशन के बाद क्या होता है, जो भी डॉटर एलिमेंट बनेगा उसका एटॉमिक नंबर 1 यूनिट से इंक्रीज होगा और मास नंबर में कोई चेंज नहीं होता। तो उससे जो भी डॉटर एलिमेंट है उसकी पीरियडिक टेबल में जो पोजीशन होगी उसमें क्या चेंजेस होते हैं उससे रिलेटेड ये ग्रुप डिस्प्लेसमेंट लॉ। फॉर एग्जांपल हमने एलिमेंट लिया पोलोनियम। पोलोनियम का एटॉमिक नंबर है 84, मास नंबर है 210। इससे एक अल्फा पार्टिकल का एमिशन हो रहा है। अल्फा पार्टिकल होता है हीलियम का न्यूक्लियस, एटॉमिक नंबर 2, मास नंबर 4। तो जब अल्फा पार्टिकल का एमिशन होगा तो जो डॉटर एलिमेंट बनेगा उसका एटॉमिक नंबर 2 यूनिट से डिक्रीज हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा, 84 है तो हो जाएगा 82 होता है लेड का एटॉमिक नंबर। तो पोलोनियम से जो एलिमेंट बनेगा वो लेड बनेगा। मास नंबर 4 यूनिट से डिक्रीज होगा तो ये हो जाएगा 206। अब ग्रुप डिस्प्लेसमेंट लॉ का रिलेशन डॉटर एलिमेंट की पोजीशन से, उसमें क्या चेंजेस होंगे वो मेनली ये लॉ बता रहा है। तो देखिए पोलोनियम किस ग्रुप का एलिमेंट है, ऑक्सीजन फैमिली का। ऑक्सीजन, सल्फर, सिलेनियम, टेल्यूरियम, पोलोनियम ऑक्सीजन फैमिली का लास्ट मेंबर। ऑक्सीजन फैमिली मींस 6A ग्रुप या ग्रुप नंबर 16, ठीक है, ये सबको पता है। अब एटॉमिक नंबर 2 यूनिट से डिक्रीज हो गया, क्या बन गया लेड। लेड किस फैमिली का मेंबर है, कार्बन फैमिली का। कार्बन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, टिन, लेड। कार्बन फैमिली मींस 4A ग्रुप या ग्रुप नंबर 14। तो देखिए 16 ग्रुप नंबर से क्या हो गया, ये 14, या 6A से हो गया 4A। तो जो डॉटर एलिमेंट है उसकी पोजीशन कहां शिफ्ट हो गई, 2 ग्रुप लेफ्ट ऑफ द पेरेंट एलिमेंट। पेरेंट एलिमेंट के कंपैरिजन में 2 ग्रुप लेफ्ट साइड शिफ्ट हुई, 16 से 14 हो गया है, 2 ग्रुप लेफ्ट शिफ्ट हुआ है। आया समझ में, बिल्कुल इजी है। बीटा एमिशन में क्या होगा, तो जब बीटा पार्टिकल इमिट होता है तो एटॉमिक नंबर 1 यूनिट से इंक्रीज हो जाता है। हम यही एलिमेंट लेते हैं लेड, 82 206। इससे एक बीटा एमिशन हो रहा है। बीटा पार्टिकल होता है इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन जैसा होता है, फास्ट मूविंग इलेक्ट्रॉन। तो जब बीटा पार्टिकल इमिट होगा तो क्या होगा, एटॉमिक नंबर 1 यूनिट से बढ़ जाएगा। 82 है तो क्या हो जाएगा, 83 किसका एटॉमिक नंबर है, बिस्मथ का है। मास नंबर में कोई चेंज नहीं होगा, 206 है तो 206 ही रहेगा। अब लेड कार्बन फैमिली का मेंबर है, 4A ग्रुप या ग्रुप नंबर 14। तो बीटा एडिशन के बाद क्या होगा, डॉटर एलिमेंट की पोजीशन क्या होगी, शिफ्ट होगी 1 ग्रुप राइट ऑफ द पेरेंट एलिमेंट। इसके 1 ग्रुप राइट आप ऐसे भी देख सकते हैं, बिस्मथ नाइट्रोजन फैमिली का मेंबर है, नाइट्रोजन, फास्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी, बिस्मथ। तो ये 5A ग्रुप या ग्रुप नंबर 15 का मेंबर। 14 से क्या होगी 15 होगी तो क्या हो जाएगी, 16 हो जाएगी। यहां पर 16 है तो 14 होगी, 14 है तो 12 हो जाएगी। समझ में आया। तो ग्रुप डिस्प्लेसमेंट लॉ का रिलेशन या सोडी फजान रसेल्स लॉ का रिलेशन किससे है, अल्फा और बीटा पार्टिकल इमिशन के बाद जो डॉटर एलिमेंट है उसकी पोजीशन से। अल्फा इमिशन के बाद डॉटर एलिमेंट की पोजीशन क्या होगी, 2 ग्रुप लेफ्ट साइड शिफ्ट होगी, यानी 2 ग्रुप कम हो जाएगी, 16 है तो 14 हो जाएगी, 14 है तो 12 हो जाएगी, 15 है तो 13 हो जाएगी। और बीटा एमिशन के बाद जो डॉटर एलिमेंट है उसकी पोजीशन 1 ग्रुप राइट शिफ्ट होगी, यानी 14 है तो 15 हो जाएगी, 13 है तो 14 हो जाएगी, 12 है तो 13 हो जाएगी। समझ में आया, इजीली आप याद कर सकते हैं। सो
लव यू ऑल, टेक केयर।